नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे महिंद्रा XUV300 के ऊपर किए जाने वाले कुछ टेस्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि विंड टनल की एक टेस्टिंग की जा रही है। इसका मतलब है पिनिनफेरिना, जो कि इटाली बेस्ड महिंद्रा की डिज़ाइनिंग हाउस है, इसी में हमारी महिंद्रा XUV300 डिज़ाइन की जा रही थी, और आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो की भी डिज़ाइनिंग वहीं पे की जा रही है। साथ में हमारी इंडिया बेस्ड जो महिंद्रा की डिज़ाइनिंग कंपनी है, वो भी कोलाबरेट कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कार को एक टनल में रखा गया है। टनल मतलब ये पिनिनफेरिना की जो टेस्टिंग उनके हाउसेस होती है, वहाँ पे इसे रखा जा रहा है, और वहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हवा चल सके। इस वीडियो के बारे में ज़्यादा हमें महिंद्रा ने नहीं बताया है, फिर भी हम जो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इस टेस्ट के ज़रिए महिंद्रा ये बताना चाहती है कि ये जो SUV आएगी मार्केट में, ये इस सेगमेंट की सबसे अच्छी एरोडायनामिक वाली SUV हमें मिल सकती है। इससे हम एक बात कह सकते हैं कि अब मोस्ट अगर एरोडायनामिक होती है ये SUV, तो ये जो फ्यूल इकोनॉमी है ये इस मामले में अच्छी खासी होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है, जो हवा चलने की, हवा में चलने की वजह से हवा जो ऑपोजिट जो फोर्स अप्लाई करती है हमारी गाड़ियों को, इसकी वजह से जो हमारी फ्यूल इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल हमें कंज्यूम करना पड़ता है, इसलिए अगर ये SUV अगर ज़्यादा एरोडायनामिक होगी तो हवा आसानी से गुजर जाएगी, और हमारी फ्यूल जो है इकोनॉमी उस तरफ में हमें जो है लाभ मिल सकती है, हमें ज़्यादा वहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी हमें मिलने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारे चैनल में ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट्स, न्यूज़ और छोटे मोटे ट्रिप्स वगैरह और रिव्यूज़ भी अपलोड करते रहते हैं। ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।